और कुछ सुनाना चाहता था, लेकिन अंबर जी का आदेश है और मैं वो गीत सुना देता हूँ। उसमें भी पुरुष जीवन की विवशता है। हमारी तमाम बहनों ने आरोप लगाया कि प्रभु श्री राम ने अगर अग्नि परीक्षा ले ली थी प्रभु श्री राम ने, तो फिर उन्होंने सीता जी को फिर दोबारा वनवास क्यों दिया, ऐसा तमाम। लेकिन प्रभु श्री राम से किसी ने नहीं पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। प्रभु श्री राम यदि होते तो शायद क्या जवाब देते, बस यही इस गीत का अर्थ है। जब लवकुश ने घोड़े को पकड़ लिया, सुमेध का घोड़ा पकड़ लिया, प्रभु श्री राम गए तो देखा अयोध्या की सारी सेना धराशायी है। अंत में प्रभु श्री राम रथ पर चढ़े हुए खड़े हैं, देखा जो छोटे छोटे बच्चे हैं और कह रहे हैं कि अयोध्या के राजा अगर तुम्हें घोड़ा चाहिए तो मुझसे तुम्हें युद्ध तो करना पड़ेगा। प्रभु श्री राम कहते हैं कि मैंने राम बनने के लिए जीवन में क्या क्या खोया है। आचार्य श्री राम शर्मा कहते हैं कि मनुष्य एक भटका हुआ देवता है, मतलब हम कभी न कभी देवता थे। हरशंकर परसाई कहते हैं कि ये शायद धरती जो है ये मृत्यु लोक शायद किसी दूसरे लोक का नर्क है जो हम भोगने के लिए आए हैं। एडम स्मिथ आदम हुआ मनु सत्रोपा, तीनों की कहानी एक है कि स्वर्ग में गलती हुई और जिसके कारण इन्हें धरती पर आना पड़ा। प्रभु श्री राम कहते हैं कि मेरा भी जीवन अभिशप्त था, शायद इस कारण धरती पर आना पड़ा। बस ये गीत की भूमिका है। एक बार आप तालियां बजा दीजिएगा, मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। युग युग का संकल्प अटल था, युग युग का संकल्प अटल था, मुझ में मेरा राम प्रबल था। पग पग पर जिसकी मर्यादा देकर थोड़ा ले गई ज्यादा, भोर नयन भर लाई आंसू, भोर नयन भर लाई आंसू, पीड़ा लाई शाम सिया तेरा अभिशापित है राम, सिया तेरा अभिशापित है राम, सिया तेरा अभिशापित है राम। अग्नि परीक्षा जग का छल थी, पर जग के प्रश्नों का हल थी। अग्नि परीक्षा जग का छल थी, पर जग के प्रश्नों का हल थी। फिर भी उस पर प्रश्न उठा है जो गंगा जैसी निर्मल थी, जो गंगा जैसी निर्मल थी। मैंने घर से उसे निकाला, सागर जिसके लिए खबाला। और एक पंक्ति में पुरुष जीवन की व्यवस्था आ जाए, चाहे बाहर कोई डीएम हो, कमिश्नर हो, लेकिन घर में आकर के स्थितियां कैसी होती हैं। मैंने घर से उसे निकाला, सागर जिसके लिए खंगाला, लंका जीतने वाला हारा, जीवन का संग्राम सिया तेरा अभिशापित है राम, सिया तेरा अभिशापित है राम। बोल रहा पौरुष की भाषा मेरा राजकुमार नन्हा सा, छोटा सा बच्चा। बोल रहा पौरुष की भाषा मेरा राजकुमार नन्हा सा, जो प्राणों से भी प्यारा है आज मेरे प्राणों का प्यासा, आज वही प्राणों का प्यासा। मेरा साहस तोल रहा है मानो मुझसे बोल रहा है, जननी की हर एक पीड़ा का पाओगे परिणाम, सिया तेरा अभिशापित है राम, सिया तेरा अभिशाप। अंतिम पंक्तियां हैं। प्रभु श्री राम जी गुप्तार घाट में जाके जल समाधि लेते हैं। उस समय कारण क्या रहा हो, पर कवि की दृष्टि में कारण क्या हो सकता है। तात मुझे करके वनवासी, आप हुए गोलोक निवासी। राजा दशरथ, तात मुझे करके वनवासी, आप हुए गोलोक निवासी, मेरे राज कुंवर कुटिया
मैं हूँ राजभवन का वासी, मैं हूँ राजभवन का वासी। कहती रघुकुल रेतिया भागे, अब तक प्राण नहीं क्यों त्यागे। कहती रघुकुल रेतिया भागे, अब तक प्राण नहीं क्यों त्यागे। धरती शायद ठुकरा देगी, जल में है विश्राम। सिया तेरा